बहुत तगड़ी वाली धूप हो रही है एंड सब सोच रहे होंगे गर्मी का टाइम में ही धूप में की बैठी है। तो धनवी को नहाने किया है धनवी ने और मम्मा ने, तो हम दोनों थोड़ी सी धूप ले रहे हैं ताकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से मौसम चेंज हो चुका है एंड ठंड भी मतलब लग रही है, बच्चों के लिए तो ठंड आ चुकी है। तो फिर इसीलिए हम लोग नहा के थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं कि तबीयत ख़राब ना हो वैसे। और हम धूप में एक और चीज़ के लिए बैठे, हम वेट कर रहे हैं अक्षी का। तो अक्षी आ रही है मेरे घर, क्यों आ रही है क्या है वो तो आगे आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में, आप कंटिन्यू करो। बट फिलहाल हम अक्षी का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब तक आती है, उसके बाद मैं आगे की चीज़ें बताती हूँ। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड है, मतलब बहुत अच्छा जाने वाला है ब्लॉग एंड आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो फटाक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो देखते हैं कब तक आती है अच्छी, फिर मिलते हैं। सारे कला तुम्हारे पास ही है? सारे कला कला दिखा। अच्छा कला। अच्छा ये पता है मम्मी ने बहुत उससे बनाई है ड्रेस। आ, ये हाथ से बनाया है? हाथ से बनाया, मशीन से? मशीन से। उसको हो जाए तो ठीक है, बाबू को हो जाएगा वैसे छोटी सी तरह। अच्छा लगा। बहुत प्यार से, बहुत पता है 2 दिन में बनाया मम्मी ने। मैंने कहा मम्मी के लिए बना दो, तो मम्मी कह रही अच्छा चल जाएगी ना, तो मैंने कहा। और ये कल मैंने बनाई ड्रेस। मम्मी क्या करती हैं, टेलर हैं? हाँ सब लोग टेलर हैं। अच्छा तो बबनी के लिए मैंने हेयर बैंड आपके लिए नए कपड़े आए हैं और ये मैंने छोटू सा कच्छो अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि हाथ का बना हुआ है ना। ये मैंने बनाया है। हाँ, कल हाथ का बना रही थी मैं ये वाला। ये तो बना हुआ रखा था। तो मतलब टेलर वगैरह का शॉप वगैरह है? अच्छा अच्छा। मम्मी सिलाई करती थी पहले। कितना दूर है यहाँ से तुम्हारा? भजनपुरा, अन्नू के घर के आगे। अक्षी आ गई है एंड अक्षी ने अपना पिटारा खोल दिया है मेकअप का एंड अब मैं जा रही हूँ मेकअप कराने। और मैं पहन क्या रही हूँ मैं वो दिखाती हूँ। तो मैं पहन रही हूँ वो ड्रेस जो आप लोग साइड में हैंग किए हुए देख रहे हो, तो वो मैं डार्क ग्रीन कलर का गाउन पहन रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी बहुत प्यारा सा गाउन है। मैं पहनने वाली थी कुछ और बट सडन एक दिन पहले मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ है एंड जैसे ही मुझे रिसीव हुआ मैंने फटाक से इसको स्टिच कराया एंड उसके बाद मैं इसको पहनूंगी कल आज। तो चलो मेकअप कराते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेकअप का जो वीडियो है एंगेजमेंट मेकअप लुक वो अलग आएगा और ये ब्लॉग अलग चलेगा क्योंकि फिर मैं इसी में मेकअप का भी सब दिखा दूँगी तो बहुत ज़्यादा घिचड़ पिचड़ हो जाएगा, तो इसलिए मेकअप का मैं अलग से शूट कर रही हूँ एंड ब्लॉग अलग से। और अक्षी धनवी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस लाई है। तो अक्षी को जो लोग नहीं जानते हैं वो मैं इंस्टाग्राम पेज नीचे मेंशन कर दूंगी, वहाँ से जाके अक्षी से आप बात कर सकते हो। प्री बेबी शूट में अक्षी ने मेरा मेकअप किया था एंड अभी फिर से अक्षी जी आ चुकी हैं। अक्षी से हेलो। हेलो। सोच किया भी नहीं, इतना गंदा मेकअप करने वाली है इसलिए सोच के पहले से मैं इमोशनल हो गई। मेरी आंखें देखो, कुछ दिख रहा आपको मेरी आंखों में? क्या मैं तो अंधी ना हो जाऊं? पर चलो इसको ठीक करो, लेंस लगे हैं आंखों में। मेरे को गुस्सा आ रहा है, सब बेफालतू करना काम है। मम्मी ये तो ऐसा आंखों में लगता है तो मतलब वो सब काम क्यों करना है? क्या हो जाएगा मम्मी को चिंता हो गई कहीं मैं अंधी ना हो जाऊँ। मम्मी चिंता मत करो, अंधी भी हो जाऊंगी तो भी रख लोगे ना मुझे, मुझे बना के खिलाओगे ना? इसको रख लोगे और मुझे भगा दोगे? देखो भाई नहीं अभी मम्मी ठीक। अगर नमस्ते अर्शी अक्षी में नाम ही अक्षी। रुको अक्षी भैया को एक चीज दिखाने दो, जीजू को सुमित्रा एक चीज दिखाओ। आज आप मेरी आंखों को देख के मदहोश हो जाएंगे। क्या नागिन जैसा होना है, कुछ और दिखा रही हूँ मैं वो तो कम्प्लीट। हाँ अन्ना हो गया अच्छा लग रहा है।
डरावना सा लग रहा है नहीं अच्छा लग रहा है, ये लगाया नहीं ना कभी आपने, लगाया नहीं ना तब भी आपको ऐसा लग रहा है। इतना दर्द हुआ भाई साहब लगाने में। गोल्डन वो जो दूसरे वाला में हनी नहीं, मैं अब यही लगाया यही रहने दो। नहीं हाँ, वो अब तो नहीं चेंज होगा। अच्छा लग रहा है, आईज अजीब से नहीं लगाया तुम्हारा, कभी लगाया नहीं ना। नहीं तो अभी पूरा मेकअप हो जाता है ना, फिर देखते हैं, अगर थोड़ा भी अजीब लगा तो निकलवा देंगे। अच्छा लगेगा, मत निकलवाओ। अब बस लेट हो गए हैं। हां हो गया, बस हो गए। मतलब आज की बात वो दिखाओ जो लेके आई हो। और अक्षय देखो क्या लेके आई है। ये मैंने बनाया है, हाथ से बनाया है। हाथ से कैसे बना? ये टेलर है ना आंटी, बट अब तो सर्दी आ गई। सर्दी गई है, हेयर बैंड बनाया मैंने। बहुत सुंदर है। और इसका बट इसकी का क्या जरूरत थी? अक्षी और ये छोटू सा। नहीं बहुत सुंदर है, और लग नहीं रहा ना बिल्कुल ये हाथ से बना हुआ। ये मम्मी ने भी बहुत पसंद है। सब चीज जो मशीन नहीं बना सकती वो हाथ से बनाया जा सकता है, लेकिन आजकल कल हाँ कल मैंने ये खुद स्टिच कर रही थी। ये वाला तो मैंने किया, ये मम्मी ने किया है। मैंने कहा धनवी के लिए वो जो कल के लिए किया है, पर अच्छा लग रहा है। अरे ये मम्मी ने किया है, कितनी मेहनत की है। थैंक यू वाला आंटी को भी, थैंक यू तुम्हें भी, इतने प्यार से, इतना प्यारा गिफ्ट लाई सही में। और इसने ये बना के रखा हुआ था आंटी से, बनवा आंटी को भी परेशान कर दिया। हाँ ये बनाया हुआ रखा हुआ था, और ये वाला मैंने कल बनाया था छोटू सा। अब मुझे भी बता। और अक्षी ने इतना बड़ा इसलिए बनाया, अब मेकअप के साथ साथ बच्चों के कपड़े बनवाने के लिए अक्षी को कॉन्टेक्ट करें। नहीं और ये अक्षी ने इतना बड़ा क्यों बनाया इसका रीजन बताएगी अक्षी, बता। क्योंकि वो फोन में इसको लगती थी कि कितनी बड़ी है। हाँ, फोन में बड़ी लगती थी। मेरे थोड़ी बड़ी सी लगती है। पर ये देखा ना सामने आके बहुत छोटी है, पता है बहुत छोटी है। प्यारी सी क्यूटी सी। तो फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी, एंड ये है मेरा फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हो मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मैं पूरा अच्छे से आप लोग को दिखा दूंगी, बट अभी हो गया है बहुत ज़्यादा लेट, तो फटाक से निकलना है। एंड मैंने फर्स्ट टाइम काजल ट्राई किया है, आई होप पसंद आ रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा मेरे ऊपर। तो बस हम लोग निकल रहे हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और मैं आपको वेन्यू पर चल के मिलती हूँ या गाड़ी में मिलती हूँ। तो चल निकलते हैं। धनवी को कपड़े नहीं पहना है, वो रीज़न मैं आगे आगे आपको बताऊँगी। निकलते हैं निकलते हैं, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। मम्मी तैयार हो गई हैं। मम्मी की सुंदर सी साड़ी, पति देव तैयार, हम तैयार, पापा जी सबसे पहले तैयार होकर चले गए। अब हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। वही मैं तभी अजीत भाई को 4 बजे बोला था, मैंने 4 बजे निकल लेंगे ना। अरे वो चाबी हो, चाबी भूल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं तो तैयार तो हो ही रहे यार, तो बहुत पहले जब आए थे तभी हो गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ चाबी बड़ी मुश्किल से मिला है। जी जी पहनाएंगे, क्योंकि अभी गाड़ी में वो परेशान हो जाती, तो इसीलिए हमने उसका ऐसे ही कैरी कर लिया, पीछे रखा हुआ है। तो वहाँ पे जब हम पहुँच जाएंगे तब पहनाएंगे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी जबरदस्ती जा रही है हिम्मत करके। अब वो लोग पहुँच गए मम्मी। हाँ, और हमारे साथ बाबू भैया और भाभी क्यों नहीं दिख रहे हैं मैं बता दूँ, वो लोग पहले ही चले गए हैं फरीदाबाद, पहले ही मतलब फरीदाबाद चले गए थे, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं है। हम लोग यहाँ नोएडा से जा रहे हैं, वो सब वहाँ पे फरीदाबाद से गए होंगे। चलो वहाँ चल के मिलते हैं। बहुत दूर है, सारा मेकअप उल्टी करके खराब हो गया।
सब मेकअप हमारा उल्टी करके खराब हो गया है ना। ऐसे ही आ जाना चाहिए था, यहाँ आके कराना चाहिए था। पूरे 2 घंटे लगे हमें, पता नहीं इतनी दूर क्यों कर रहे हैं शादी। हाँ अब पता है मम्मी, यही शर्त रखना चाहिए, मेरे घर के पास आपका घर है तब हम शादी करेंगे, तो दूर इतनी दूर जाना पड़ता है। हम पहुँच गए जहाँ हमें पहुँचना था, बहुत मेहनत लगी इस जगह पे पहुँचने के लिए उल्टी करते हुए। मम्मी हाय जूता वा चाचा, मतलब मेरी बड़ी मेरी बेटी को देख के अपनी पहली वाली बेटी को भूल गए, ये बहुत गलत बात है। कितना प्यारी, मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं प्यारी नहीं हूँ बिल्कुल। क्या हुआ जी, क्या हुआ?
दीदी वो आगे ले गई नहीं ऐसे आप देखते मेरी आंखों को आपको एक तरीके का घायल नशा दिखेगा मेरी आंखों में ज्यादा देखना नहीं क्या पता दम को घायल सी नहीं लगती नागिन कह रहा था मम्मी देखना मम्मी पता है जाके मेरे को डांट दिए कह रहे हैं कि तो पति देव को अभी तक मौका मिला नहीं था आप लोगों से मिलने का मौका मिला नहीं था एक किरकिरी लगाए हो तुम भी आ जाओ दिख नहीं रहा पर इसमें तो हम लोग अपने वेन्यू पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें आना था नहीं मतलब आ, 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 क्या कौन है बेटा पापा वेन्यू पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमारे बच्चा भी मिल गया है और यहाँ पे बाबू मिल गए हैं और धनी की प्यारी सी ड्रेस और पीछे हो रहा है भैया भाभी का फोटो सेशन और मैं यहाँ पे बैठ के वेट कर रही हूँ क्या हो गया वीडियो बना होता है रहने वाला बना दी और रानी कब आएगी मम्मी मुझे आइए मम्मी ये पतिदेव ये है वे हाँ अभी हम लेके आ रहे दुल्हनिया को तब तक अरे साथ में तो अच्छा आ रहे हो घंटी ज्यादा सो हम लोग आए हैं दुल्हनिया को लेने के लिए अभी दुल्हनिया की एंट्री नहीं हो रही है हम ऐसे उसको ले जाके छुपा देंगे आराम से
Gracias.